भरतपुर जिले के ग्रामीणों क्षेत्रों में सरकारी स्कूल जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं। स्कूलों में जलभराव की समस्या से स्टूडेंट्स और स्टाफ परेशान हैं। हाल ये है कि क्लासेस स्कूल में लगने की बजाय गांव में किसी के घर में लग रही हैं। देखिए इंडिया न्यूज संवाददाता राजीव भट्ट की ये खास रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं सेवर पंचायत समिति के लोधे का नंगला में स्थित उच्च प्राथमिक सरकारी स्कूल की। एक दो दिन नहीं बल्कि पिछले 20 दिनों से इस स्कूल में बरसात का पानी भरा है। हाल ये है कि 87 बच्चों वाले इस स्कूल भवन की स्थिति जर्जर है और बरसात में जलभराव से दीवारें गिरने तक की नौबत आ गई है। ऐसे में स्कूली बच्चों और स्टाफ को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल के टीचर्स को गांव में ही एक व्यक्ति के घर में बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है। गांव के भामाशाह रामस्वरूप ने अपने मकान में कक्षाएं लगवाने की व्यवस्था की है। उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक कमरा दो बरामदे दे रखे हैं। बजाय यहां पढ़ रहे हैं, वहां क्यों नहीं जाते? वहां स्कूल में क्या परेशानी है? वहां पर जाने के लिए रास्ता बहुत खराब है और पोखर के किनारे कोई रपट गया तो परेशानी आ जाएगी। और स्कूल में पानी भरा हुआ और दीवार गिरी हुई है, बैठने के लिए जगह नहीं है, कमरे चुचाते हैं, इसलिए हम यहाँ पढ़ने आते हैं। क्या नाम है आपका? कुशागर राजपूत। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8 में। अपने स्कूल में पढ़ने क्यों नहीं जाते हो जो वहाँ पर स्कूल है? स्कूल में पानी भर रहा है और उसकी दीवारें गिरी हुई है, जाएंगे तो गिर पड़ी तो डर है, डर लगता है। तो अब कहाँ पढ़ाई हो रही है आपकी? अब यहाँ पर। किससे गए, किन के घर पे? राम स्वरूप उनके घर पे। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। कौन सी क्लास में? 8 में। तो ये स्कूल क्यों चल रहा है यहाँ पर? क्योंकि हमारे गांव में जो नंगला लोधा गांव है उसमें सरकारी स्कूल में पानी भर गया है बरसात का, तो उसमें जाने के लिए रास्ता नहीं है, इसलिए हमारे घर पे चल रहा है स्कूल। कौन आया था आपके घर पर? हमारे घर पे टीचर आए थे और वो हेडमास्टर आए थे। किससे बात की उन्होंने? उन्होंने पापा से पूछा तो पापा ने बोल दिया कि चला लो। उन्होंने पूछा कुछ लोगे कि हमने, पापा ने बोल दिया कि नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, आप जब तक चाहो तब तक इसको चला सकते हो। क्या क्या दिया हुआ है आपने अपने घर पर? हमने एक बरामदा दिया है और अपना आंगन दिया है और एक कमरा दिया है और पेड़ों के नीचे बैठते हैं थोड़ी। कितने दिन से चल रहा है? कुछ हो गए 20 दिन। और इससे पहले भी चला था? उससे पहले 2 साल पहले चला था, 2 महीने। तो वो इस स्कूल में पानी भर जाता है? हाँ, इसी स्कूल में पानी भरा था तब भी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनीषा है। आपके पिताजी का? राम स्वरूप। सर ये स्कूल है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नगला लोधा, और हमने स्कूल में बरसात का पानी भर जाने के कारण एक हमारे भामाशाह हैं रामस्वरूप जी, उनके घर पे उनकी इच्छा के अनुसार ही चलाया हुआ है। और ये बहुत अच्छे भामाशाह हैं, हमने यहाँ निःशुल्क व्यवस्था की है। और स्कूल का बहुत ही ज़्यादा हालत बहुत ख़राब है, वहाँ पर पानी भरा हुआ है, साइड में ही पोखर है वो बहुत गहरा है और आने जाने का रास्ता भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, उसमें घुसना ही मुश्किल हो रहा है। और स्कूल बहुत पुराना बना हुआ है, पूरा गारे का बना हुआ है, छतें चौचाती हैं, पानी ग्राउंड में पूरा भरा हुआ है, उसमें घुसना मुश्किल है। तो इस वजह से बच्चे छोटे हैं, कहीं पोखर में गिर नहीं जाएं, निकलने का रास्ता नहीं है, इसलिए हमें यहाँ चलाना पड़ रहा है। कितना टाइम से यहाँ पर चला रहे? ये लगभग सर 20 से 25 दिन हो गए इस वर्ष, और इससे पहले भी हमने 2-3 साल पहले यहाँ लगभग 2 महीने चलाया था बरसात के दिनों में ही। और स्कूल में तो बिल्कुल निकलना घुसना बिल्कुल बंद है सर। कितने बच्चे हैं? बच्चे 88 बच्चे हैं, 88 बच्चे का नामांकन है। कहाँ से कहाँ तक चलता है ये सर? स्कूल पहली से 8वीं क्लास तक चलता है। अच्छा, इसी समस्या है स्कूल की तो इसको अन्य दूसरी जगह स्थान मतलब कहीं और दूसरी शिफ्ट किया जाए या नया भवन बनाया जाए, इसके लिए शिकायत किया? अब सर लिखा है। हाँ, वैसे तो आगे उच्च अधिकारी को सूचित कर दिया है कि इसमें ग्राउंड में पानी भर गया है, स्कूल चलाने लायक जगह है नहीं। अब सर ये आगे गवर्नमेंट देखेगी कि क्या करे। परमानेंट सॉल्यूशन तो सर स्कूल का स्थानांतरण ही है, या तो कहीं गांव में ऐसी कोई जगह देखी जाए रोड के किनारे जहाँ पर स्कूल नया बन जाए, क्योंकि काफ़ी पुराना स्कूल है, लगभग 62 का एस्टेब्लिश है। और इसमें जो कमरे हैं लगभग 80 के दशक के बने हुए हैं, और वो सारे के सारे रेत के बने हैं सर, वो पूरी तरह चौचाते हैं, बस 1-2 कमरे हैं जिनमें बैठाने लायक व्यवस्था है। नामांकन को देखते हुए तो बहुत ही कम बिल्डिंग है। क्या नाम है? मेरा नाम अखिलेंद्र कुमार है, मैं टीचर हूँ।
इस स्कूल के हालात से टीचर्स ने सरपंच, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सहित सभी उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया है, लेकिन यहाँ हाल आज भी जैसे के तैसे है। सवाल उठता है कि आखिर कब अफसरों की नींद टूटेगी, यहाँ कब हालात सुधरेंगे और कब बच्चे अपने स्कूल में पढ़ पाएंगे। भरतपुर से इंडिया न्यूज राजस्थान के लिए राजीव भट्ट।